Dear students, good morning. Welcome to online class, all of you. Dear students, I got completed the first poem and the first lesson of supplementary means movement and the first lesson of beehive. Today I am continuing the second unit means second lesson, lesson two. The sound of music from beehive. Beehive का sound of music part first की part two में है, जिसमें कि I am telling you the summary of this first part. The lesson is the sound of music. And in this lesson there are two parts, part first and part second. Both part have been written by a great writer D. Cowley, and the first part the great eminent writer has described about Evelyn Glennie. Evelyn Glennie जिन्होंने म्यूजिकल फील्ड में बहुत बड़ा बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की और जबकि हियरिंग उनका कैपेबिलिटी उनके अंदर थी तो किस तरह से देखिए अच्छे गाइड के माध्यम से और अपनी लगनशीलता एवं दृढ़ निश्चय के माध्यम से उन्होंने इन उपलब्धियों को हासिल किया। हैंडीकेप होने के बावजूद भी उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन और सिंसियरिटी टू वर्क जो था उनको आगे बढ़ाया। देखिए द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट, साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट जो है इज अ बायोग्राफिकल फीचर। यह एक बायोग्राफिकल मीन्स जीवन वृत्तांत है विच रिवील्स मीन्स जीवनी टाइप है विच रिवील्स जो कि बताती है द अचीवमेंट्स और जीवनी बताती है उपलब्धियों को। आप एवेलिन ग्लेनी एवेलिन ग्लेनी की उपलब्धियों को बताती है वो ओवरकम हर हियरिंग इनकैपेबिलिटी जिन्होंने अपनी सुनने की अक्षमता के बावजूद भी जो उनके अंदर सुनने की क्षमता नहीं थी हार्ड ऑफ हियरिंग थी मीन्स डीप थी तो उस पर अपनी डीपनेस पर कैसे उन्होंने ओवरकम किया विद ग्रेट डिटर्मिनेशन बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ में एंड कॉन्फिडेंस और वे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी इस अक्षमता पर अपनी इनकैपेबिलिटी पर विजय प्राप्त की और बड़ी उपलब्धियाँ भी प्राप्त की। द फीचर डिस्क्राइब्स इस जीवन वृत्तांत में यह वर्णन है हाउ अंडर द एबल गाइडेंस कि किस तरह से सक्षम निर्देशन में आप रॉन फ्रॉस्ट नाम के बहुत उच्च कोट के श्रेष्ठ जो एवर मीन्स योग गाइड है उन्होंने निर्देशन दिया एवरी गाइड ग्लेनी को और फाउंड ए वे आउट ऑफ हर प्रॉब्लम और उनके गाइडेंस में उनके निर्देशन में एवरी को उनकी समस्या से एक मार्ग प्रशस्त किया बाई डेवलपिंग एन एबिलिटी टू सेंस म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। कानों से नहीं लेकिन उन्होंने अपने शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों से जो संगीत के प्रति या संगीत को जो है संगीत के प्रति योग्यता हासिल की। कानों से सुनकर नहीं बल्कि शरीर के अन्य भागों से उन्होंने म्यूजिक को महसूस किया म्यूजिक को समझा और म्यूजिक को समझने के बाद में श्रेष्ठ जो उनके शिक्षक थे रॉन हॉफ उनके नेतृत्व में उनकी कुशल निर्देशन में उनकी गाइडलाइन में उन्होंने उच्च कोटि की उपलब्धियाँ हासिल की। डियर स्टूडेंट्स दिस इज द शॉर्ट समरी ऑफ दिस लेसन पार्ट फर्स्ट ऑफ लेसन टू एंड
इन डिटेल्स आई विल टीच।